स्टूडेंट्स, मैं हूँ आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से, और हम कर रहे हैं 2019 में आए साइंस का पेपर का सॉल्यूशन, और हम पहुँच गए हैं आंसर नंबर 15 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15 वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 15 वाला क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दे, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल पूछा है उसमें L2O3 और ZNO, ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब आपसे पूछा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख दी L2O3 की, अगर आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पे HCl के पास 6 लगा हुआ है, इसके पास 2 लगा हुआ है और इधर 3 लगा हुआ है, तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये था आपका आंसर नंबर 15। अब अपन कर रहे हैं सेक्शन डी का आंसर नंबर 16। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा पूरा आंसर नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिख के आने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इसमें 16th में, व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक्सप्रेस होते हैं ऑफ स्प्रिंग में, यानी ऑफ स्प्रिंग से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं वो। जैसे कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो टॉल वाला जो था, वो कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था उस पी प्लांट के अंदर, है ना। तो टॉल हमेशा टॉल वाले जो थे पी प्लांट आ रहे थे ना, उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन में भी आए थे, सेकंड जनरेशन में भी आए थे, तो वो कहलाया था डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट इज एग्जिस्टिंग, होते तो हैं वो बट हिडन होते हैं, वो हिडन होते हैं। तो इसमें आपको बताना था, ठीक है, हिडन होते हैं जो, जैसे कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब जनरेशन वन का उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें एक भी जो है छोटा वाला प्लांट यानी स्मॉल प्लांट नहीं आया था। ठीक है, जब बट जब सेकंड जनरेशन आई तो उसमें स्मॉल प्लांट आ गया था, तो वो था रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, यानी वो शो हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करके आपको इसमें लिखना था। इसका बी पार्ट में भी यही पूछा है, इज इट पॉसिबल दैट ए ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल ऐसा होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल पॉसिबल है ये। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी अभी कि फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल आए थे, जो सेकंड जनरेशन थे उसमें स्मॉल भी आ गए थे, तो जो स्मॉल वाले आए थे फर्स्ट जनरेशन में नहीं थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में शो हुए वो, तो इसका मतलब वो इनहेरिटेड तो हो रहे हैं। ठीक है, क्यू ए सुटेबल एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे लिखना था। ओके स्टूडेंट, उसमें आपको मिल जाते हैं 5 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 का हम ये पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, पार्ट जो सेकंड है वो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड के अंदर। जो एक्सपेरिमेंट है पूरा वो आपके प्रैक्टिकल फाइल में होगा स्टूडेंट, वो आप ज़रूर देख लेना, और थोड़ा सा आइडिया भी दे दूंगा चलो मैं इसका। लेकिन मैं अभी फिलहाल 17 का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। उसमें आपसे पूछा था व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, अच्छा आयोडीन सॉल्ट, अच्छा ओके एडवाइजेबल। ठीक है, आयोडीन सॉल्ट क्यों एडवाइस किया जाता है आपको, क्यों एडवाइस किया जाता है, टू प्रिवेंट गोइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड से बचने के लिए, क्योंकि गोइटर क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, गले पे जो पट्टा बन जाता है वो किसकी वजह से बनता है, आयोडीन की कमी से बनता है। ठीक है, नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। तो क्या पूछा था आपसे, डिजीज़ तो ये आपने लिखी दिया, थायराइड जो होती है वो डिजीज़, उसका नाम है थायराइड डिजीज़ है वो। ठीक है, और गोइटर भी कहते हैं उसको, ये हो गया। ठीक है, आपसे एक सिम्टम पूछ रहे हैं, तो सिम्टम होते हैं या तो ये लिख देते हैं आप एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर ये भी होता है वेट गेन। ये जो वेट गेन होता है ये फिर कम नहीं होता, जब आप वेट गेन हो जाता है तो ये कम नहीं होता, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं इस वाले थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी, कैसे जो नर्व होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं, इम्पल्स भेजते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ एक्सन, एक्सन आपने पार्ट होता है इसमें पढ़ा है आपने, द एक्सन रिलीज केमिकल, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, वो जो एक्सन होता है केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर
ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स, सिनेप्स तक जाते हैं वो बिटवीन द एक्सन एंड डेंड्राइट, और एक्सन और डेंड्राइट के बीच तक जाते हैं जो कि क्या करते हैं आपके इम्पल्स को पास करते हैं, और फिर डेंड्राइट तक पहुंचने के बाद वो वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, और ये प्रोसेस बराबर बराबर चलता जाता है। तो सोचो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा, जैसे कोई आपके अगर पिंच करता है तो आप फौरन हाथ डाल लेते हो, तो ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होता है स्टूडेंट। ओके, अब इसका 17 का सेकेंड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है हाइड्रोट्रॉपिस क्या होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिस क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई प्लांट होता है वो वाटर की तरफ अगर मूव होता है, यानी अगर जैसे जो आपने जो रूट्स होती हैं, जो वो रूट्स क्या करती है जिधर वाटर होता है उधर की तरफ ही मूव करती है, वही कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिस। और हाइड्रोट्रॉपिस जो होता है स्टूडेंट उसका प्रैक्टिकल आपने लैब में किया होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको PDF में दे दूंगा। आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को स्टूडेंट्स, PDF भी मैं बहुत जल्द आप तक पहुँचा दूंगा। ओके